अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ZW HD न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इशफाक और मेरे साथ हैं तारिक साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 71 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान इन 71 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन अगर हम दूसरे ममालिक के साथ इसका कंपेयर करें तो पाकिस्तान इससे बहुत पीछे रह चुका है। पाकिस्तान की जश्न आज़ादी में वो तमाम लोग दिल खोकर खुशियों का इजहार कर रहे हैं जिन लोगों ने इसमें भरपूर पार्टिसिपेट किया। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, इसमें मर्द भी शामिल हैं, इसमें औरतें भी शामिल हैं, इसमें अमीर तबका भी शामिल है, इसमें गरीब तबका भी शामिल है। अगर हम आज बाजारों का रुख करें तो हमें हर तरफ राशि राशि नजर आता है और हमें ऐसे महसूस होता है जैसे ईद का चांद निकल आया हो और पाकिस्तान हर कोने में, दुनिया के हर कोने में, पाकिस्तान के हर कोने में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, सब लोगों के दिलों में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और 14 अगस्त के दिन को पाकिस्तान इस तरह से मनाते हैं जैसे कोई ईद का दिन हो, ईद का त्यौहार हो। और पाकिस्तान के लोग, स्पेशली वो लोग जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो अपनी तमाम तन मेहनत, तमाम तन मसरूफियात के बावजूद भी इस दिन जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएँ करते हैं, पाकिस्तान के प्रोग्रेस के लिए दुआएँ करते हैं और पाकिस्तान को राह रास्त पे लाने के लिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को राह रास्त पे लाने के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में एक अहम मुकाम हासिल करें, पाकिस्तान दुनिया में तरक्की करे। इसके साथ हमारे साथ जो है तारिक साहब मौजूद हैं, उनसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या सर जी, इशफाक साहब आपने बहुत अच्छी बात की और वो हमारे साथ 14 अगस्त के हवाले से हम लोग बैठ रहे हैं आज इस ट्रांसमिशन में। ZW News HD ये चैनल है हमारा, आज इस ट्रांसमिशन को 14 अगस्त के हवाले से खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और हमारे साथ बहुत खूबसूरत खूबसूरत मेहमान भी यहाँ पर होंगे, उनसे भी हम गपशप करेंगे। और हमारे साथ एक मेहमान बैठे हैं बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक, इमरान हाकिम मोहल साहब, ये एडवोकेट हैं, MA LLB इन्होंने किया हुआ है, एंटी करप्शन और जेल मॉनिटरिंग में चेयरमैन हैं लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, और इनके साथ बैठी है लालैन उबरती और जंगारा हैं, मॉडल हैं, बहुत खूबसूरत चेहरा, नाइस लुक। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इमरान हाकिम मोहल साहब से, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक है आपका? और पहले से ही 14 अगस्त आज कैसे आप रस्ते में आ रहे थे, तो क्या महसूस हो रहा था? और हमारे लिए ये चीज की तरह ही है, हम लोग इसको बिल्कुल वैसी मनाते हैं। ऐसा आप मेरे कैडर से देख रहे हैं, तो मैं जब घर से निकला तो घर कह रहे थे आज की जाए तो ना कैसे, तो मैंने कहा हमारे लिए ईद है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, आज हमारे लिए ईद है, 14 अगस्त आज़ादी का दिन, हम लोग एक आज़ाद मुल्क में बैठे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है उस ज़ात का, कायदे आज़म ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को मारे से वजूद में लेके आए। तो लालैन माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप, अल्लाह ताला आपको और प्यारा करे। अच्छा ये बताएं कि आप मॉडलिंग करती हैं? तो 14 अगस्त किस तरह मनाती हैं? मैं 14 अगस्त में ज्यादातर अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है और इस तरह के फ्लैग्स लोग लगाते हैं बच्चे, और इस तरह सारे बाइक पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और फैमिली के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप जरा कोई सवाल करना चाहेंगे इनसे? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मादक वजूद में आया, और जब मादक वजूद में आया था मुसलमान रहनुमा बहुत खुश थे कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। क्या उन हुक्मरानों में, उन रहनुमाओं में और आज के हुक्मरानों में क्या फ़र्क है कि 71 साल गुजरने के बावजूद भी हम तरक्की पज़ीर हमारे के सफ़े शामिल हैं, हम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता क्यों नहीं बना सकते? मुझे ये लगता है कि उस टाइम पे जब इलामा इकबाल जो थे, सॉरी कायदे आजम जो थे, उन्होंने बहुत ज्यादा एक ख्वाब देखा था कि वो पाकिस्तान बनाए, एक पाकिस्तान एक आजाद मुल्क हो, ठीक है, उन्होंने ये करके भी दिखाया था। लेकिन मुझे ये लगता है कि आजकल के जितने भी सरबराह हैं, हुक्मरान हैं, वो सिर्फ इलेक्शन के ऊपर जोर देते हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे, तो वो
वादे बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उनको पाकिस्तान की आजादी से फर्क नहीं पड़ता। मुझे जहां तक लगता है कि उनको चाहिए कि वो पाकिस्तानी पाकिस्तानियों का भी एहसास करें कि वो एक आजाद मुल्क है और उसमें करप्शन ना हो और जो लोग हैं वो दूसरों का एहसास करें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें और एजुकेशन के ऊपर फोकस करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वो मिले लोगों को, एजुकेशन के हवाले से जॉब्स मिले उनको इस काम करके, मुझे लगता है। लेकिन जब हमें पता है कि वाली हुकूमत इस तरह की है, वो अपने पर्सनल रीजंस से सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन लोगों को वोट नहीं देते, तो हम आगे क्यों नहीं ले आते? वो मुझे जहाँ तक लगता है क्योंकि जितने भी पुराने जमाने के लोग हैं वो यही सोचते हैं कि जो उनको उनकी थिंकिंग अभी भी वैसी ही है, वो बदले नहीं है, और जो न्यू जनरेशन है उनमें फिर भी थोड़ी सी अवेयरनेस आई है इस चीज़ को लेके। तो मुझे जहाँ तक लगता है, अब जैसे रिसेंटली इलेक्शन हो रहे थे तो इमरान खान और नवाज शरीफ में ज्यादा था कॉम्पिटिशन का, तो अभी भी जितने भी ओल्ड है उन्होंने एक दफा इतने सालों से जो हमारे हुक्मरान है फिर भी उसको ही वोट देंगे क्योंकि उनको लगता है कि बस वो कुछ भी नहीं करा, वो गलत नहीं है, वो नए को चांस नहीं देते हैं। तो हमें, मुझे लगता है कि नए को चांस देना चाहिए ताकि तब्दीली आए, पाकिस्तान अच्छा से अच्छा हो, जैसे कायदे आजम ने ख्वाब देखा था उसको पूरा करें। आपको मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान की मेहनती कौन दुनिया के किसी कोने में भी जाती है, अपने फन का लोगों में दुनिया में अगर हम इंटेलिजेंट लोगों की लिस्ट निकालते हैं तो अगर पाकिस्तान, लेकिन वही एक इतना अर्सा गुजरने के बावजूद हम लोग वही के वही खड़े हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग आज भी आज़ाद नहीं हुए, आज के बदलावों की जिंदगी बस जाए, तो आपके ख्याल में ऐसा क्यों है और हम बदलावों की जिंदगी से कैसे आज़ाद हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जिन दुनिया के पास में आया है ये जो कर्म ने अपने सरकार की जिम्मेदार उठा चुके हैं और बात को फैशन से सिस्टम की गई इंसाफ बन जाएगी वो सारा का सारा अंग्रेज का, तो उसकी वजह से हम लोग पहले दिन से ही बेकार पैर में हैं, हम निकल नहीं सकते और आज भी देख रहे हैं हम लोग जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं उनको, हमारे जो एथिक्स हैं, हमारा जो असल मकसद है, जो पाकिस्तान है इस बुनियाद पर बनाया गया की बुनियाद पर इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के नाम से बताया गया, लेकिन उसकी कोई सलाह नहीं है। उसका अगर आप देखते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें ऐसा कोई आर्टिकल नहीं सिवाए दो चीज़ों की, सदर मुसलमान होना चाहिए और प्रेजिडेंट जो अपना है प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होना चाहिए। इसके अलावा कोई स्थिति जो बताती है कि हमारे जो है यहाँ पे आज़ादी की गई है या जो जो भी मामला है सारे हम सब जानते हैं, जा भी जाए आउट ऑफ कंट्री गया हूँ वहाँ पे हम लोगों को बहुत बड़े टूरिस्ट गर्व देते हैं, कोई हमें उस तरह से प्रमोट नहीं करता, हमारे लोगों को जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो बातें नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे हुक्मरान को चाहिए, हुक्मरानों को चाहिए कि उपाय जो है लोगों के साथ अनुभव बनाए और मुल्क का नाम कैसे प्लेटफॉर्म पर रखें। जैसा कि आप एंटी करप्शन के चेयरमैन, तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारे लोगों में करप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या आपका जो महकमा है इस हवाले से क्या इकदाम कर रहा है कि हम जहाँ तक उनको बन सके एक करप्शन के ऊपर जो मुकाबला? जी, हमारे यहाँ पे जो है सिस्टम पूरे को पूरा करते हैं, आने जाने करप्शन हमारे जो है हर जगह और कोशिश कर रहे हैं वो कि इसको कम किया जाए, और जो नई अमेंडमेंट्स की गई हैं अकॉर्डिंग टू जो है एंटी करप्शन लॉ, तो इसमें बहुत सी नीज लेके आए हैं, उसमें बताया गया है कि किस तरह से लोग पहले लोगों को नीज देते थे, लेकिन आप देख रहे हैं आप नए रोस्टर्स लग गए हैं जैसे नए काम कर रही है, इन शाला हम लोग अच्छी चीज एक्सपेक्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम पीछे हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप इससे कहा, इन शाला दिन ब दिन चीज़ों में अच्छी बेहतरी है। जी तारन, ये बताइएगा कि मॉडलिंग की फील्ड में आपको कितना अर्सा हो गया है, आप ये बताया किस पे रहती है, रिक्शे पे रहती है या फिर सर टैक्सी पे रहती है? अच्छा, दो साल में आपने क्या सीखा कि कैसी फील्ड है, ये अच्छी फील्ड है या नहीं अच्छी फील्ड है, इसमें लड़कियों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर हम पहले जमाने में देखते जाए तो पहले जमाने में एक मॉडल को अच्छा नहीं समझा जाता था, और आज भी बहुत सारे मेरी खुद की फैमिली में भी ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि नहीं आप ये इसको किस रास्ते में जा रही है, ये क्या कर रहा है इसका। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल लोग हर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ लोग अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी तक मैंने किया ऐसा वैसा कोई मसला नहीं। तो मुझे लगता है कि जो बच्चों का शौक है उनको पूरा करना चाहिए, अगर किसी का है तो उसको मॉडल करना चाहिए या एक्टिंग करनी चाहिए। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो इमरान साहब, माशाल्लाह इमरान खान साहब भी इतने बड़े
आपका नाम भी इमरान है और आप भी इमरान हाकिम साहब हैं, तो मुगल की आपकी जात है ये जोश और जज्बा जो है वो एक दिन के लिए क्यों है, वो पूरे 365 दिन के लिए क्यों है? क्या इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या लोगों को दिखाने के लिए हमारे घूमरा रहा सब कुछ? मुझे लगता है जहाँ तक के जब आप बाघा बॉर्डर जाते हैं तो वहाँ फ्लैग सेरेमनी होती है, सब इंजॉय करते हैं सब है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी भी दिनों में लोगों को करना चाहिए। जैसे ईद आती है तो सिर्फ 3 दिन ईद का शौक होता है, और रमजान आता है 30 दिन रोजे रखिए, उसके बाद कोई खबर नहीं है। नमाज जब रोजे आते हैं तो 5 वक्त की नमाजें और सारा कुछ करते हैं, लेकिन पैसे नहीं करते। तो मुझे ये लगता है कि उनको करना चाहिए, शायद मे भी तो दिखावे के लिए करते होंगे जो ऐसा करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है हमारी आवाम में जोश जज्बा बहुत ज्यादा है, जोश जज्बा बहुत ज्यादा है। हमारी आवाम को अगर इजाजत दे दी जाए ना वाघा बॉर्डर पर अटैक कर दे, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी और हमारी आवाम ही काफी होगी। और ये जो आजाद कश्मीर का मसला है, ये एक दिन का मसला हल हो सकता है, लेकिन करना चाहिए, अगर करना चाहे कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इसको करें। और अब हम आपसे आप चलते चलते आखिरी पैगाम दे दें मैं सिर्फ यही देना चाहूंगी कि 14 अगस्त आती है तो सब कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, सबने अपनी डीपीज लगाई है, ये है। तो मुझे लगता है कि जो इतना प्यार करते हैं उनको आम दिनों में भी पाकिस्तान से इतना ही प्यार करना चाहिए कि ये हमारा पाकिस्तान है और इसको हमने मिलकर सुधारना है और कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जी हमारे साथ और मेहमान तशरीफ आ चुके हैं, हमारे साथ हैं बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत सी, इनका नाम है विश्मा शेख, ये हैं प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्सटाइल से। जी विश्मा क्या हाल है, आपके ठीक ठाक हैं जी? और इनके साथ बैठे हैं मोहम्मद आसिफ साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, ठीक ठाक हैं? जी विश्मा शेख, आप ये बताएं कि 14 अगस्त का दिन आज आप आ रहे थे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लगता है जब अपने मुल्क को मनाया जाता है। इस वक्त हम लोग आजाद हो, उस दिन में हमारी आने वाली नस्ल भी इस चीज को एंजॉय करती है और समझती है, और बच्चे भी रंग अबरंग कपड़े पहनते हैं जो पाकिस्तान के झंडों के साथ बने होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है देखिए कि हमारे मुल्क की आवाम को भी अभी भी अवेयरनेस है। जी माशाल्लाह जी। आसिफ भाई आप बताएं 14 अगस्त आप कैसे मनाते हैं? 14 अगस्त को पाकिस्तान में ऐसे भी जैसे किसी में हर बंदा मुल्क हर बंदा खुश होता है और अपने आप को पूरी दुनिया में ये शो करा रहे होते हैं कि हम आजाद हैं और ये हमारा खुशी का दिन है। जी तो हम जायजा लें इन 75 सालों का, तो क्या हम अपने बच्चों को अपनी नस्लों को वो आज़ादी मुहैया कर सकते हैं जो कि एक आज़ाद कौम को मुहैया की जानी चाहिए? अगर हम आज़ादी की बात करें और जैसे कि आपका सवाल क्या कि हम अपने बच्चों को मुहैया कर सकते हैं या नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आजकल जो हालात जा रहे हैं हमारे मुल्क के उसके मुताबिक तो हमारी 5 या 6 साल की बच्ची घर से बाहर अकेले नहीं जा सकती। आज़ादी कैसे कहने की हद तक तो हम सब आज़ाद हैं, लेकिन यहाँ तो आवाम को आज़ादी राय पर भी ख़त्म कर दिया जाता है, उन्हें आज़ाद अब राय देने का भी इख्तियार नहीं है। तो आज़ाद हम सिर्फ कहने की हद तक हैं। तहरीक आज़ादी से आज़ाद पाकिस्तान का सफर, अगर हम इसका जायजा लें तो इस जायजे से हम ये पता चलता है कि हम आज़ाद जरूर हुए हैं,
लेकिन क्या हम अपने बच्चों को वो आज़ादी दे सके हैं जो कि एक कौम को मिलनी चाहिए, जो एक कौम के बच्चों को मिलनी चाहिए? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में बहुत अच्छा सा एक जायजा है जो मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जब पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा होता है तो वो 1,20,000 रुपये का कर्जदार है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर हम आज़ाद कैसे हैं, हमारे बच्चे आज़ाद कैसे हैं? आज़ादी हमने कहने की हद तक तो ले ली है, लेकिन अगर मुल्की हालात का जायज़ा लें तो हमारी एक 5 साल की बच्ची या 6 साल की बच्ची घर से बाहर अकेले कदम नहीं रख सकती। पर अगर वो निकल जाए तो हम तो ये भी नहीं कह सकते वो वापस आएगी या नहीं हो। तो आज़ादी हमने नारे ज़रूर लगाए हैं और आज़ादी हमने ली है, लेकिन कहने की हद तक, अवामी हद तक और इकदामी हद तक मेरा नहीं ख्याल कि हम आज़ाद हैं, क्योंकि हम तो अपनी राय का इख्तियार भी नहीं कर सकते पके राय देने का। तो हम आज़ाद कैसे? पूछना चाहूँगा क्या पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजी के मैदान में वो मुकाम हासिल कर सका है जो हासिल करना चाहिए था? अगर हम देखते हैं कि अपने दाएं बाएं जो कंट्रीज हैं उन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, लेकिन अभी हमारे हम उस मुकाम तक नहीं पहुँचे जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके? सर, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी है और अच्छी टेक्नोलॉजी है, और इसमें बात यह आती है कि जब भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं हमारे पास सेक्शन लग जाती है, वो हमारे पास पावर नहीं है। जब तक हमारे ऊपर से इंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं होगी तब तक हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते। जब तक टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं होगा तो हम पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो भी तरक्की हो रही है सारी सारी टेक्नोलॉजी की बेस्ट ही हो रही है। इसलिए टेक्नोलॉजी का किसी भी बोल की तरक्की में बहुत हेल्प कर रहा है। अगर हमारे टेक्नोलॉजी पे हमारा टैलेंट कम नहीं है अगर कहीं भी देखा जाए तो पूरी दुनिया में अल्फा ग्रेड नहीं हो सकता कोई भी। जी विश्वा, मैंने सुना है कि आप मॉडलिंग भी करती हैं, तो सही सुना है मैंने? और ब्राइडल मॉडलिंग करती हैं आप जी? माशाल्लाह, तो कैसा लगता है आपको मॉडलिंग करने पे? आप ब्राइडल मॉडलिंग करती हैं उसके अलावा भी प्रोडक्ट शूट्स वगैरह करती हैं? नहीं, मैं सिर्फ ब्राइडल मॉडलिंग करती हूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और शौक भी है। माशाल्लाह। और मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ तो ड्रेसेस वहाँ से ही बनते हैं। माशाल्लाह। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या मामला है कि टेक्सटाइल में इतनी तरक्की नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए? टेक्सटाइल में तरक्की तो बहुत हो रही है, लेकिन आजकल उसकी सबसे बड़ी आपको पता है पिछले सालों में जो रीज़न थी वो ये थी कि हमारा बिजली का जो बहरान था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो पटरी शिफ्ट हो गई, जिसमें हमारी लेबर को हम प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे क्योंकि हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। जब प्रोडक्शन अच्छी होगी तो हमारी लेबर भी गेन करेगी, लेबर गेन करेगी तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, लेकिन जब हम लेबर को ही नहीं कुछ देंगे और खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो फिर हम किस तरह से अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे? लेकिन आजकल अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो हमारी इंडस्ट्री पहले से बूस्ट कर रही है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब वो उस तरह से फैसिलिटेशन नहीं गई जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन थी पहले कि आप ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करें, ये करें वो नहीं करें। तो अगर देखा जाए अब हर मिल में टेक्सटाइल की जितनी भी ज़्यादातर मिल्स में नॉलेज हुई है, उन्होंने वेविंग प्लान किया है, उन्होंने प्रोडक्शन की है, उन्होंने पूरी डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिजिटल प्रिंटिंग के पूरे पूरे सेट लगाए। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग ये इस वजह से नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा फॉल्ट था और जनरेटर और डीजल वगैरह की कीमत तो आपको पता है किस तरह से आसमान को छू रही, तो हम अपनी लेबर को फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से हम प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे थे। अब काफ़ी बेटर है। अगर हम आज से 10 साल पहले हो और आज को कंपेयर करते हैं टेक्सटाइल में, तो आपका क्या ख्याल है कि ये तरक्की की है टेक्सटाइल में या कि नहीं? अगर 10 साल को कंपेयर किया जाए जो लास्ट गुजरे हैं तो उसमें टेक्सटाइल ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसकी बहुत अच्छी, बाकी मुल्कों से भी ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री घुस रही है पाकिस्तान। जब पिछला दौर हुकूमत था तो उसमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है
उसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इस चीज़ का फेस करना पड़ा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम डीजल इसके साथ ही हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ZWHD में जो चीज़ आए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, इसी तरह से हम लोग अपनी मालूमात का तबादला करते रहेंगे, स्टे विद अस। हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है क्लास 8 के स्टूडेंट को जमात नहीं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। उसके साथ हमारे मेहमान हैं नूरीद अंजन, उभरते हुए फनकार हैं और बहुत से मुल्कों में ये जा चुके हैं। इनसे भी हम पूछेंगे कि बैरून मुल्क किस तरह से पाकिस्तान जो सेलिब्रेट करते हैं आज़ादी को, और इन दोनों को बैरून कहते हैं आगे शो। मैं आप इनसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हो अपने घर में, अपने मुल्क में जश्न आज़ादी। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हम अपने घर में जो सेलिब्रेशन करते हैं जज्बा है मेरे अंदर की मैं अपने घर को खुद सजाऊं अपने आप से। अच्छा, आप अकेले ऐसा काम सारा काम करते हैं, झंडा लगाना, छत के ऊपर झंडियां लगाना, घर को डेकोरेट। आप ये बताएं क्या नाम है आपका? जमात नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये बताएं आप 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? जोर से बोलिए, आवाज थोड़ी कम आ रही है। झंडे लगाते हैं, झंडियां भी लगाते हैं, और 14 अगस्त के लिए पाकिस्तान का पाकिस्तान की खुशियों में आप शामिल हो जाते हैं, अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हैं साथ में। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज़ादी ट्रांसमिशन। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हमारे साथ इस टाइम और दो नए गेस्ट आ चुके हैं। अरकम एक नई उभरती हुई टैलेंट है, मॉडल है, बहुत प्यारी, और उनके साथ बैठे हैं ज़ीशान अलीम साहब। जी अरकम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं। तो 14 अगस्त के माशाल्लाह आपने इतने प्यारे कपड़े पहने, आप तो खुद एक झंडा बनी हुई हैं। तो ये बताएं कि 14 अगस्त आप कैसे मनाते हैं? मैं मोस्टली फैमिली के साथ मेरे फादर हैं, हम लेके चलते हैं बाहर, जितनी डेकोरेशन कभी आप बागा बॉर्डर गई हैं? नहीं, कभी तक बात नहीं हुआ, बट इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं जाने। जी जी, जरूर जाइएगा, वहाँ पर जाकर जोश बलबला बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है। नए बढ़ते हुए फनकार हैं, मॉडल लुक माशाल्लाह की प्यारी मॉडल लुक बनाई हुई आपने, कटिंग भी फौजियों वाली आपने करवाई हुई ऊपर से, तो आप क्या करते हैं? मॉडलिंग करते हैं जी। तो कौन कौन से ब्रांड के ब्रांड की आपने मॉडलिंग की है, या रैंप वॉक वगैरह आपने की है? रैंप वॉक वगैरह की है आपने। तो 14 अगस्त आप कैसे मनाते हैं? मोस्टली फ्रेंड्स के साथ ही जाते हैं बाहर ज्यादातर। जी, फ्रेंड्स के साथ अक्सर निकलना, बाहर अल्लाह बुला करना, अच्छे जोश और जोश से मनाना, बाघा बॉर्डर पे जाना, बहुत अच्छी बात है। 14 अगस्त जो है इसमें झंडे और झंडिया सब लगाते हैं। हाँ जी, आप कौन सी मुनफरद चीज करते हैं मोस्टली मेरी जो पूरी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इनफैक्ट मैं कोई भी स्टेप लूँ, कोई सेलिब्रेशन हो, स्टडी से रिलेटेड हो, आगे करियर से रिलेटेड हो, तो वो बहुत सपोर्टिव है। और इसके अलावा मेरी दादू है घर पे, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद वो इंडिया से यहाँ आई हैं, तो वो हमें बहुत स्टोरीज वगैरह सुना रही हैं कि कितनी कुर्बानियाँ देकर, कितनी मुश्किलों से ये मुल्क आज़ाद हुआ। उस टाइम भी वो वहीं पर थी,
तो बहुत ज़्यादा कत्लेआम था, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया था उन दिनों। और बहुत जब वो हिजरत करके यहाँ पाकिस्तान आए तो ट्रेन्स के थ्रू वो आए थे, बट बहुत सी ट्रेन्स वगैरह जो हैं सब लोगों को लूट लिया गया, मर्डर्स कर दिए गए। तो वो जब अपने सारे पुराने वाकियात वगैरह बताती हैं तो इनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई हमें तो प्लेट में सजा सजाए पाकिस्तान मिल गया है, लेकिन बहुत से लोगों की इसमें कुर्बानियां शामिल हैं, तो हमें वो सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ करें। मैडम आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक फनकार बरादरी से है, क्या फनकार बरादरी उसी तरह से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करती है जिस तरह के पाकिस्तान की आवाम करती है? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली इसी तरह सब सेलिब्रेट करते हैं, सबकी वही फीलिंग्स होती हैं जितनी आम पाकिस्तानियों की होती हैं। अच्छा आपका अगर फ्यूचर में क्या प्लान है, आप क्या करना चाहती हैं, मॉडलिंग करना चाहती हैं, क्या आपको फील्ड अपनाना चाहेंगे? मैं वैसे आगे मेरा प्लान है एक एंकर बनने का। वेरी गुड, तो इंशाल्लाह बाकी मैंने इसी करियर को लेके। अच्छा एक एंकर बन के आप इंशाल्लाह मीडिया की खिदमत करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जी हम भी आपके साथ हैं। तो अपना जिशान भाई आप क्या करना चाह रहे हैं आगे फ्यूचर में, आप भी क्या करना चाह रहे हैं? जी मोस्टली ये क्या है, आवाम की खिदमत करना, अपने मुल्क को तरक्की के की तरफ लेके जाना, जो सच है वो आवाम के सामने लेके आना, आवाम के सामने लेके आना जो सच है, आवाम मुल्क मुल्क को तरक्की आता बनाना। निशान आपने जो शर्ट पहनी हुई है माशा बड़ी खूबसूरत है, पाकिस्तानी नाम है, झंडा बना हुआ है और उसमें स्टार्स है, तो आपको किसने आइडिया दिया था कि ना मुझे आज ये पहन के सेलिब्रेशन करना चाहिए? आइडिया खुद का ही था कि मनाना चाहिए, ये दिन आता है साल में, हमें तो वैसे बेसिकली के लिए हमें चाहिए तो सारा साल हमें मनाना चाहिए, पाकिस्तान को अच्छे से रखना चाहिए, पर एक दिन आता पर इस दिन को हमें ज़्यादा हमारी एक तरह से हमारी ईद है, इसको जोश और खरोश से मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे लिए ईद का समय है और ईद से भी बढ़ के हमारे लिए बढ़ी है, हमें आज़ादी मिली, बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने हमारे बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, तो तराना वगैरह आप लोगों को मनाता है। दरअसल इसलिए मैं बजात करना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसमें इस तरह के जो नौजवान थे जी उनका बड़ा अहम रोल रहा। बिल्कुल, वो लीड पे थे और जितने भी जो वहाँ पे रहनुमा थे वो उनके अंदर शुक्र मिले ये लोग काम करते थे जी। और अंग्रेज़ों को इस बात पर मजबूर कर दिया था नौजवान नस्ल ने कि पाकिस्तान एक बनना चाहिए जहाँ पर हम आज़ादी के से सांस ले सकें और इस्लामी आइन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। ये लोग जो हैं ये बड़े मेहनती लोग हैं, ये पाकिस्तान को माशा बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह। इसके साथ हम अपने गैस का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन इसी तरह से हम लोग अपनी मालूमात का वादा करते रहेंगे, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जैनब और उनके साथ हमारे बहुत ही मोस्ट सीनियर पर्सन जिशान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम इनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जैनब क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? जिशान साहब आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जिशान साहब ये बताएं, जिशान चौधरी साहब माशाल्लाह आप न्यू एंकर पर्सन सीनियर पर्सन हैं, तो 14 अगस्त के हवाले से आज हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, 14 अगस्त के हवाले से आप हमें क्या शेयर करना चाहेंगे? 14 अगस्त का जो दिन है पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, इसके हर किसी को चाहिए कि इस तरह सेलिब्रेट करें कि इसमें नाशुक्री कभी नजर ना आए, हमारी आज़ादी का एहसास नहीं है जो आज़ाद नहीं है, अगर मुसलमान कहीं है क्योंकि दुनिया में मुसलमानों का खतरा होता है, लेकिन हम लोग सेफ हैं इसलिए हम लोग एक आज़ाद रियासत हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ने एक अलग से मुसलमानों के लिए बना दिया ताकि हम लोग यहाँ पर महफूज रह सकें, जो लोग मजबूत नहीं है उनको एहसास है कि पाकिस्तान आज़ादी क्या चीज। जी तो जैनब माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आपकी लुक है, मॉडल लुक है आपकी, तो आप एज ए सीनियर एंकर पर्सन करती हैं, कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? तो सर कितने चैनल्स पर आप एंकरिंग कर चुकी हैं? अच्छा न्यूज़ एंकर हैं आप, तो 14 अगस्त के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ये जो हमारे एक 14 अगस्त का दिन है, क्योंकि काजी आजम ने ये बहुत मेहनत करके जितना जाग के हमें एक अलग वतन दिलवाया। इलामा इकबाल ने स्वयं मुसलमानों को जगाया, उनमें आज़ादी का जज्बा पैदा किया। जो इनमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे गायक का और जो इलामा इकबाल उन्होंने मुसलमानों में जज्बा पैदा किया। हम तो सिर्फ मौजूद ही थे, पर अगर हम बड़ों की बात करें तो बहुत से लोग जब आज़ाद हुआ मुल्क तो बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से भारत के। आज हमारे स्टूडियो में बड़े खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं। मैंने ये मेरे बताया उसे कैबल करता हूँ। निशान साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, कायद अजम और इनके साथी जो हैं वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, या आज की तरह का पाकिस्तान चाहते थे या मुंफरद पाकिस्तान चाहते थे? जो कायद अजम का बात था, जब स्टडी किया उसके मुताबिक ये पाकिस्तान कायद अजम का पाकिस्तान नहीं है। वो तो चाहते थे हर मुसलमान आज़ाद हो, तरक्की याफ्ता हो, पढ़ा लिखा हो। लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी पढ़ाई का बहुत मसला है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको काम करना पड़ता है उनकी बुनियादी जरूरियात की वजह से। बहुत सारी जगहों पर जो है ना वो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, जबकि उनको चाहिए वो स्टडी करें। हम खुद अपने भी देखते हैं लेकिन हमको मजबूर है, कुछ कर नहीं सकते। हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए क्या अगर कायदे आज़म कम तय करें आज के पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान को देखेंगे खुश होंगे कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है, या वो हमसे नाराज होंगे कि हमारा बच्चा बच्चा कर्जई बन चुका है? सर सबसे पहले मैं आपकी बात करूंगा, बेशक हमारा बच्चा बच्चा कर्जई है, फिर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमें आजाद रहा मसला कर्जई होने का, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे बेहतरी होगी। लेकिन अल्लाह पाक हमारे हुक्मरान को बताया दे कि वो इस चीज़ को कवर करें, पाकिस्तान के बच्चे को कर्जे से निकाले। जैन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कायद अजम किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं? कायद अजम चाहते थे कि मुसलमान आपस में उम्मीद से रहे। आज कल ये हो रहा है एक इंसान दूसरे इंसान की जान खींच रहा है। कायद अजम ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे अमन और सलामती के साथ सब रहे, क्यों नहीं है जो तहरीके पाकिस्तान के नगर लीडरों का नगर, क्योंकि ये लोग सिंसियर नहीं हो सकते पाकिस्तान के साथ। जो भी आता है वो सिर्फ अपनी जेब भरने का सोचता है। अब इमरान खान साहब आए हैं, उनकी देखते हैं उनकी हुकूमत क्या तब्दीली लाती है। निशान मैं आपसे बात करना चाहूँगा, तो गरीब के लिए कला करी, अमीर के लिए कला करी, क्या ऐसा को आप देखा था अलावा अखबार में? मुझे नहीं जरूरत है अमीर और गरीब हो सकती है, तमाम एक हमारे यहाँ माशरे में ऐसा होता है, लोग जो अमीर हैं अक्सर जो है वो बड़े चलते बच जाते हैं, और अक्सर गरीबों ने कुछ किया कि उनको उनको नजायज भी उठा दिया जाता है, और इनके लिए कुछ इदारे भी बने हैं जो इनकी हेल्प करें। अगर वो इदारों तक पहुँचे तो पूरी कोशिश करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मीडिया है, मीडिया का असर काम की साफ नहीं करना होता है। अगर कोई लोग हमारे पास भी आता है या किसी भी मीडिया इदारे में जाए, उनकी कोशिश होती है कि इसको ऐसा हक हो, इसको इंसाफ हो। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज़ादी ट्रांसमिशन। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं 14 अगस्त की ट्रांसमिशन, और हमारे अगले मेहमान हमारे साथ हैं सिंगर अब्दुल बासित। सलामत रखे पाकिस्तानी कहाँ गया? मैं
मैं दुबई में रहा हूँ, मैं वहाँ पे 3 साल जॉब किया है एज अ ग्रेड इंजीनियर, मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो वहाँ का जो यहाँ का जो सैनिटेशन है वो अलग है, वहाँ वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मौजूद है, लेकिन उनको बाहर इस तरह जैसे हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, हला बुला करते हैं, रोड से मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है, आप शायद देखेंगे वहाँ पे जो बुर्ज खलीफा है ना, वहाँ पे हर 14 अगस्त को उस बिल्डिंग के ऊपर पाकिस्तान में टोपी लगाना लगता है, उसमें झंडा आता है और आजादी मनाए, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनको अलाउ नहीं करती क्योंकि वो आम वहाँ की लोकल नहीं है। अगर जब उनकी दुबई का कोई नेशनल डे आता है तो वो उसी तरह ही सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह से पाकिस्तानी। अच्छा, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, तो सिंगिंग की तरफ आप कैसे आ गए? बेसिकली मेरा शौक था सिंगिंग का, बचपन से मैं बड़ा तेज गा लड़का था, जहाँ पे भी गा लड़ता था उस थे था और अभी भी है, लेकिन आप जरा जोड़ी आ जाती है टाइम के साथ भी आ गई है। चैनल के तौर पे मेरी 2-3 शॉर्ट्स फिल्में हैं, एक रोमांटिक मूवी है और एक कॉमेडी मूवी है, तो आप से अच्छी नहीं होती। अच्छा, आप इस फील्ड को कैसे है? इस फील्ड पे देखो, वो जो रिक्शे पे आता है, वो मोटरसाइकिल पे आता है, आप कैसे है? मैं मोटरसाइकिल। अच्छा, मोटरसाइकिल पे है, ठीक हो गया। वो बहुत अच्छे सिंगर जी अपनी पास से बड़े हमारे साथ हैं, तो हम इनसे तराना भी सुनेंगे, तो क्या आप हमें तराना सुनाएंगे? कौन सा तराना सुनाएंगे? बेसिकली यंग जनरेशन के लिए है, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो आने वाले अपने वक्त में अपनी मुल्क के लिए कुछ करके दिखाएं और एक प्रॉपर ईमानदारी के साथ कोई भी काम करें तो सिंसियरिटी के साथ करें, उनको ही डेडिकेट करना। मैं ये चाहूंगा कि आप कराने के साथ हम सब उसको एंजॉय करें, सब लोग हमारे साथ यहाँ पर आए और हम लोग सब अपने फ्लैग के साथ यहाँ पर एक जश्न आजादी पुरजोश तरीके से मनाएं और आप सब लोग तशरीफ ले आए।
तक